हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं कि DOB जो कि डायरेक्ट ऑन बोर्ड होता है उसको किस तरह से बदला जाता है दोस्तों। तो DOB क्या होता है? DOB ये होता है दोस्तों, ये गोल सर्किट होता है। DOB जो हमेशा जो होता है गोल राउंड में होता है, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं DOB डायरेक्ट ऑन बोर्ड। तो इसको हम बदलेंगे दोस्तों, जो LED लाइट्स होता है उसमें निकाल के, उसकी जो सर्किट होता है स्क्वायर में होता है दोस्तों, ये देखिए ऐसा, इसको निकाल के हम उसको रिप्लेस कर देंगे और लाइट चालू हो जाएगा। लेकिन उसमें दोस्तों किसी भी सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला LED ये इस ड्राइवर से अटैच रहता है और चालू होता है। लेकिन वो जो DOB आपको मैंने दिखाया गोल वाला, इस DOB में कोई भी सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, ये डायरेक्ट चालू होता है। लेकिन डायरेक्ट चालू होता है तो इसकी प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसको किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से इसको शोल्डर किया जाता है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं दोस्तों। और बच्चा लोग इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि ये बड़ों के लिए दोस्तों, ना इस वीडियो को देखे बच्चों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से दोस्तों आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पैनासोनिक का बल्ब मेरे पास में है जो कि 9 वाट का है दोस्तों। इसको पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि इसी बल्ब में जो है प्रॉब्लम है, तो हम ये सॉकेट में लगा देते हैं इसको और स्विच ऑन करते ही ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से वो ब्लिंक कर रहा है, एकदम से सही तरीके से नहीं जल रहा है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे पैनासोनिक का बल्ब, कैप ओपन कर लिया, ये देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें जो इसका जो LED बल्ब है, सभी LED बल्ब एकदम परफेक्ट है, कोई भी ख़राब या टूटा हुआ या जला हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सर्किट है ये दूसरे इसमें यूज़ कर लूँगा, और ये वाला दूसरा मुझे तो खाली एल्यूमिनियम का जो है प्लेट चाहिए, तो ये मैं दूसरी जगह पर यूज़ करके नया बल्ब चालू कर दूँगा। और जिससे दोनों बल्ब चालू हो जाएंगे मेरे, ये सर्किट इसमें लगा हुआ था दोस्तों, ये देखिए खुल चुका है। और ये देखिए इसको ड्राइवर बोलते हैं दोस्तों, ये ड्राइवर से जो है LED और ये जो आप देख रहे हैं ये आँख जैसा, इसमें इसका कनेक्शन रहता है, ये कनेक्शन जो है ड्राइवर में और ड्राइवर से LED में जाता है, जो कि AC से DC में जाता है दोस्तों। ये ड्राइवर बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर का एक कंपोनेंट जो है टूट चुका है। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, DOB आपको बताया था मैंने, ये सर्किट ही होता है और इसके ऊपर राउंड में जो है LED बल्ब लगे हुए होते हैं, जिसमें एक N होता है और एक L होता है दोस्तों। ये N है और ये L, तो इसी पर हम लोगों को जो है शोल्डर आयरन से, शोल्डिंग मशीन से इसमें कनेक्शन करना होता है दोस्तों। तो ये मैंने दूसरे बल्ब का जो है एल्यूमिनियम की प्लेट ले ली है, इसका तो हमें काम है ही नहीं अभी, तो ये साइड में रख देते इसको। ये देखिए दोस्तों, इस ये दूसरी प्लेट ली है मैंने, क्योंकि वाला सर्किट परफेक्ट था, तो दूसरे LED बल्ब में मैं इसका यूज़ कर लूँगा। तो इसको ओपन करके मैं यहाँ पे DOB को इंस्टॉल कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसके जो स्क्रू है ओपन हो चुके हैं, अब इस प्लेट को यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए ये पेस्ट किया हुआ था कंपनी ने, इसको भी यहाँ पे बिठा के देखते हैं। वाह, इसके होल एकदम मैच हो गए दोस्तों, तो हमें कहीं भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब डायरेक्ट इसी के ऊपर हम लोग जो है स्क्रू को कस देंगे और ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा। इसकी कीमत दोस्तों मार्केट में अगर ले तो 10 रुपये का एक मिलता है, ये 10 वाट का करीब है, 10 वाट का सर्किट है दोस्तों, ये DOB 10 वाट का है और इसकी प्राइस भी 10 रुपये ही है। तो जो पुराने बल्ब होते हम लोगों के,
जो पुराने बल्ब होते हैं ना दोस्तों, उसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इलेक्ट्रॉनिक का काम जानते हैं दोस्तों, तो आप घर पे ही इजीली बिठा सकते हैं। आप किस तरह से बिठाना है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। अब इसके स्क्रू मैंने कस दिए है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे, जिसके लिए हमें दो वायर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ये जो है यहाँ पे ऐसा बैठ जाएगा। ये दो वायर यहाँ पे मिल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक वायर है, लेकिन इसका पहले लंबाई लेंथ देख लेते हैं कितना है। मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा गिरेगा ये, तो यही साइज का और एक ले लेता हूँ मैं, छोटा गिरेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये दोनों मैंने ले लिया, लंबाई अच्छी इनकी। तो एक एक करके मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे ये होल दिया हुआ है, तो अंदर से यहाँ से उसमें उसको निकालना है ऊपर, ये देखिए। और मैं निकाल के जो है ऊपर से उसको इस तरह से मोड़ देना है, ताकि वो वायर रिवर्स मतलब अंदर की साइड में निकल ना जाए, बाहर ना निकल जाए, मतलब वहाँ से इसको ऐसा दबा के रखना है, उसके ऊपर शोल्डर से शोल्डिंग कर देना है अपने को। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बता दो, यहाँ पे ये शोल्डरिंग गर्म हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा उसको फिक्स करने के लिए कर देते हैं पहले। ये देखिए धुआं भी निकल रहा है, और ये फिक्स हो चुका है दोस्तों। अब इसी प्रकार से दूसरा भी मैं करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोनों मैंने एकदम फिक्स कर लिए, और इसके जो आँखें हैं ये भी जो अंदर की साइड में रखती सॉकेट में, वो भी मजबूत तरीके से कर दिया है मैंने। अभी खाली देखिए, अब ये जो है दो वायर इसमें जोड़ना है एन और एल में, क्योंकि इनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। तो इसमें से पहले दोनों वायरों को ऊपर निकालेंगे इस तरह से, और अगर लंबा वायर ज़्यादा लंबा हो गया तो उसको अपन कट करके उसका शोल्डर करेंगे, वहाँ पे उसको शोल्डर करेंगे। इसको अच्छे से दबाना है पहले कैप को। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से एकदम बैठ गया फिट, और ये हो गया। अब देखेंगे कि वायर थोड़ा लंबा है तो उसको कट कर लेंगे दोस्तों, लंबा तो लग रहा है मुझे, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। ये देखिए ये एन और ये एल, एक कनेक्शन एल पे जाएगा, एक कनेक्शन एन पे जाएगा, सिंपल सा है, ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है दोस्तों। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा लंबा वायर भी रख के कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो उसको छिल लेता हूँ थोड़ा सा। ये छिलने के बाद में इनका कनेक्शन कर लेता हूँ आसानी से। कनेक्शन हो जाने के बाद हम चेक करेंगे दोस्तों कि किस तरह से इसका ब्राइटनेस कैसा आता है, क्या आता है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि एलईडी बल्ब कैसा लग रहा है और किस तरह से उसका ब्राइटनेस है दोस्तों, ताकि मैं आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको कट कर लिया है मैंने। अब इनका यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं शोल्डर का आयरन मशीन से, एक यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा लंबा है इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये कट दिए मैंने, इसको यहाँ पे शोल्डर कर लेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, और अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, तो आपसे अनुरोध है कि एक लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कई लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आपसे अनुरोध है दोस्तों कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से मैं वेल्ड शोल्डर कर रहा हूँ शोल्डर मशीन से। ये एक हो चुका है, इसी प्रकार से मैं दूसरा भी कर लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो वो भी अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों।
एल पॉइंट तो मैंने ऐड कर लिया, अब एन पॉइंट ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको ट्राई करता हूँ पहले, तो ये देखिए दोस्तों, ये एन वाला जो पॉइंट है वाला मैं शोल्डर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। ये देखिए दोस्तों, दोनों पॉइंट एकदम परफेक्टली जुड़ चुके हैं। अब मैं इन वायर को अंदर डाल देता हूँ, बाहर ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो अभी देखते हैं इसको, इनको अंदर करके इसका केब लगा लेता हूँ मैं। ये जा रहा है अंदर, ओके, इतना ठीक है, कोई इशू नहीं है इतने में। तो अभी इसका केब लगा लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया तरीके से शोल्डर हुआ है दोस्तों, और अभी इसका केब मैंने लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, पैनासोनिक कंपनी का 9 वाट का मैंने बल्ब लिया था, और 9 या 10 वाट का ही ये DOB है। ये आ गए हम, और अभी इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों कि इसका ब्राइटनेस कैसा है, चालू होता है या नहीं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम लोग। वाह, चालू हो गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।